और एक और बड़ी खबर यहां आपको बता दें, सलमान खान को धमकी भरे खत का जो मामला था, उन्हें धमकी भरा एक खत मिला था मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की उस पूरे मामले में और सलमान खान केस का अपडेट दिया है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सलमान खान के जो धमकी भरा उनको पत्र मिला था उस मामले में ये बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस के जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं विश्वास नागरे पाटिल, उन्होंने राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की है और साथ ही साथ सलमान खान केस का पूरा अपडेट उन्हें सौंपा। अब तक क्या कुछ चीजें बरामद की हैं पुलिस ने, छानबीन में क्या कुछ मिला है, लोगों से पूछताछ जो की जा रही थी उसमें क्या बातें जानकारी मिली है, ये सारी बातें गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात के बाद कही होंगी मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक धमकी भरा पत्र भेजने से पहले बकायदा रेकी की गई थी और इसमें बिश्नोई गिरोह शामिल हो सकता है। तो ये जो धमकी भरा पत्र मिला था, आपको बता दें सलमान खान को कहा यह जा रहा है कि पूरी रेकी की गई थी इससे पहले, उसके बाद ये पत्र वहां पर ड्रॉप किया गया था और इसमें यह भी बात सामने आ रही है कि बिश्नोई गिरोह शामिल हो सकता है। हालांकि बिश्नोई गिरोह की तरफ से ये बातें की गई थी, जब पुलिस ने पूछताछ किया था तो बिश्नोई गिरोह की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि ये जो सलमान खान को धमकी दी गई उनकी तरफ से नहीं दी गई है। और हमारे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर गृह मंत्री से मिले हैं, उनको जांच की जानकारी अपडेट दिए होंगे, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है जो मीडिया के पास है कि जो जांच पड़ताल की गई है, सीसीटीवी फुटेज हो चाहे 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है, कोई सुराग निकलकर सामने आ पाया है? जी देखिए, मौजूदा स्थिति में आज हमने भी इस मामले को लेकर के रिपोर्ट किया था कि करीब 40 से ज्यादा लोगों से इस मामले में पूछताछ किया गया है। उसके अलावा 200 से ज्यादा ऐसे सीसीटीवी फुटेज है जिसको खंगाला जा रहा है। मुंबई पुलिस बांद्रा इलाके के तमाम उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है जहां से उस पत्र का कोई व्यक्ति संदिग्ध जो है वो मिल जाए मुंबई पुलिस को। इस मामले में मौजूदा स्थिति में जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरे पाटिल, उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की। ये मामला बहुत ही गंभीर है, इसी ये बात जो है कल मुंबई डीपी संजय पांडे ने भी कही थी। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, इस लिहाज से चाहे वो मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय, इसको इतनी लाइटली नहीं लेगा और यही कारण है काफी गंभीरता से जो है इसकी जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक मुंबई पुलिस ने कोई भी जानकारी इस संबंध में, आधिकारिक जानकारी जो है क्या डेवलपमेंट है इसको लेकर के नहीं दी। जी संदीप, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।